देखो दोस्तों, इस मैच के अंदर टीम बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये कि इस टूर के ऊपर इंडिया की तरफ से काफ़ी यंगस्टर गए हैं, यानी कुछ ऐसे प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचने वाला, या जिनको लोग रिस्की पिक बोलेंगे वो प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और इन प्लेयरों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेयर आपके लिए डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हार्दिक पांड्या सेफ है, सूर्य कुमार यादव सेफ है, हरदीप सिंह सेफ है, लेकिन जो दो तीन प्लेयर डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो प्लेयर कौन से हो सकते हैं उनके बारे में वीडियो में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको टीम बनाने से पहले सबसे जरूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है वेलिंगटन का वेदर, क्योंकि ये मैच खेला जाएगा स्काई स्टेडियम वेलिंगटन के ऊपर, तो आपको वेलिंगटन के वेदर का अच्छे से पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंदर वेलिंगटन एक ऐसी जगह है जहां पे कभी भी बारिश आ सकती है, तो आप टीम बनाने से पहले वेलिंगटन का वेदर याद से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया के बीच होने वाले पहले T20 मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा स्काई स्टेडियम वेलिंगटन के ग्राउंड के ऊपर। 18 नवंबर को दोपहर को 12 बजे ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। सबसे पहली बात, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और वहीं दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेन्यू स्टेट्स के बारे में। देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये मैच खेला जाएगा स्काई स्टेडियम वेलिंगटन के ग्राउंड के ऊपर। और अगर दोस्तों इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड के ऊपर T20 इंटरनेशनल के अब तक 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैच जीते हैं। यानी दोस्तों, मैच कोई भी टीम जीत सकती है, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड। वहीं दोस्तों, इन 15 मैचों के अंदर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 162 रन है। यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिल सकती है जो कि बैट्समैन और बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। वहीं दोस्तों, अगर इन 15 मैचों में हम बात करें स्कोर पैटर्न की, तो 150 से नीचे स्कोर 6 बार बना है, 150 से 169 के बीच में स्कोर 4 बार बना है, 170 से 189 के बीच में स्कोर 1 बार बना और 190 प्लस स्कोर 4 बार बना है। अब देखो दोस्तों, स्कोर यहाँ पे काफ़ी वेरी किया हुआ है। उसके रीज़न है क्योंकि एक तो स्मॉल ग्राउंड होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, तो हिट लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, कभी कभार मारने के चक्कर में प्लेयर आउट हो जाते हैं, कभी कभार रन भी बना देते हैं, तो ये चीज रीजन भी हो सकता है। दूसरी बात, बैलेंस पिच देखने को मिलती है जो कि बैट्समैन बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। अब देखो दोस्तों, इस ग्राउंड के ऊपर जो लास्ट के जो T20 मैच खेले गए थे वो खेले गए थे 2021 के अंदर, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर। उसमें पहले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग की, 208 रन बनाए 4 विकेट पे, न्यूजीलैंड 144 रन बना के ऑल आउट हो गई थी। अगर दोस्तों इस मैच में हम फास्ट वर्सेस स्पिन की बात करें, तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर को भी 2 विकेट, दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को 7 विकेट मिले थे, जिन 7 में से 6 विकेट तो अकेले ऑस्टन अगर ने लिए थे। दूसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फिर से पहले बैटिंग की, 156 रन बनाए 6 विकेट पे, और न्यूजीलैंड 106 रन बना के ऑल आउट हो गई थी। और अगर दोस्तों इस मैच में हम फास्ट वर्सेस स्पिन की बात करें, तो फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट, और सेकेंड इनिंग के अंदर फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को 6 विकेट मिले थे। वहीं दोस्तों तीसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फिर से पहले बैटिंग की, 142 रन बनाए 8 विकेट पे, और न्यूजीलैंड ने 143 रन बना के 7 विकेटों से मैच जीत लिया था। अगर दोस्तों इस मैच में हम फास्ट वर्सेस स्पिन की बात करें, तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर को भी 4 विकेट, और दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिला था। अब देखो दोस्तों, इन 3 में से 2 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था, 1 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था, लेकिन दोस्तों ये वाला मैच भी कोई भी टीम जीत सकती है, बैटिंग फर्स्ट है बैटिंग सेकंड। लेकिन देखने वाली चीज़ क्या है कि इन 3 मैचों में स्पिनर को विकेट मिले थे। पहले मैच में स्पिनर को 9 विकेट मिले थे दोनों इनिंग मिला के, दूसरे मैच में स्पिनर को 10 विकेट, और तीसरे मैच के अंदर स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। यानी कहीं ना कहीं स्पिनर थोड़ा क्रूशियल रोल भी प्ले कर सकते हैं इस मैच के अंदर। और इंडिया की तरफ से वापसी कर रहे स्पिनर में यूजी चहल और वॉशिंगटन सुंदर, और हो सकता है दीपक हुड्डा खेलते हो तो वो भी बॉलिंग करे, तो आप टीम बनाने से पहले ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं चीज़ें आपके लिए एक बार फिर से थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि मैच कोई भी टीम जीत सकती है, बैलेंस पिच है जो कि बैट्समैन बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। बाकी दोस्तों, कुछ की प्लेयर हैं इंडिया की तरफ से, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव, जिनके ऊपर ऑब्वियस है ज़्यादातर लोग ध्यान देंगे। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से डिवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिपी, टीम सऊदी के ऊपर ज़्यादातर लोगों का फोकस रहेगा। लेकिन दोस्तों 2021 के अंदर जो सीरीज हुई जिसके अंदर स्पिनर ने कमाल किया था, तो यहाँ पे अगर ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से, रिस्की पर्सपेक्टिव से जाओ, तो इंडिया की तरफ से यूजी चहल, कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर में से जो भी खेलेगा वो थोड़ा क्रूशियल रह सकता है। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से आईएस सोडर, मिशेल सेंटनर या माइकल ब्रेसवेल में से
जो भी खेलेगा वो थोड़ा क्रूशल रह सकता है, ग्रैंड लीग के अंदर आपके लिए डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, यानी जिन प्लेयर के ऊपर काफ़ी कम बंदे ध्यान देंगे। बाकी दोस्तों आप टीम बनाने से पहले वेलिंगटन का वेदर यहाँ से चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी बारिश आ सकती है। बाकी दोस्तों पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे जीत सकते हो ब्रांड न्यू महिंद्रा थार। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको लिंक पे क्लिक करना है और माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे अगर आप इंडिया और न्यूजीलैंड वाले पहले T20 मैच के अंदर मेगा लीग के अंदर फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको मिलेगी ब्रांड न्यू महिंद्रा थार एज अ फर्स्ट प्राइज। अब देखो दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता है कि आप माई 11 सर्कल ऐप पे ही क्यों खेलें, क्योंकि दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आपको कम कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर फैंटेसी प्लेटफॉर्म, यानी आपके जीतने के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये देखिए पुष्पा बाई फ्रॉम अलवर, जिन्होंने रिसेंटली महिंद्रा थार जीती है माई 11 सर्कल ऐप से, आप भी जीत सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करते हो और फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। तो देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ न्यूजीलैंड विद बैटिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में किसी एक या दो प्लेयर का चेंज होता है तो वो चीज़ मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। न्यूजीलैंड की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे फिन एलन और डिवोन कॉनवे, और तीन नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं केन विलियमसन, यानी ये तीन प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद मिडल ऑर्डर की कमान संभाल सकते हैं ग्लेन फिलिपी, डार्ली मिचेल, जेम्स निशम, मिचेल सेंटनर, और बॉलिंग की कमान संभाल सकते हैं मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, आईएस सोडी, ब्लेयर थिकनर या एडम मिलने में से कोई एक खेलेगा, हाई चांस है एडम मिलने खेल सकते हैं, और लोकी फर्गुसन। ये तो हो गए पांच बॉलिंग ऑप्शन। छठा बॉलिंग ऑप्शन एक आधे ओवर की बॉलिंग ग्लेन फिलिपी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा बहुत चेंज करेगी तो जेम्स निशम की जगह माइकल ब्रेसवेल को मौका दिया जा सकता है। उसका सिंपल रीजन है इंडिया की इस टीम के अंदर दो तीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है और माइकल ब्रेसवेल राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर लेते हैं, पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग करने आ जाते हैं, यहाँ पे एक चेंज देखने को मिल सकता है। बाकी हाई चांस है कि यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर इस प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा तो वो चीज़ मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सेफ ऑप्शन, तो डिवोन कॉनवे नो डाउट सेफ है, केन विलियमसन सेफ है, ग्लेन फिलिपी सेफ है, सेंटनर सेफ है, उसके बाद टिम साउदी सेफ है, उसके बाद आईएस सोडी या लोकी फर्गुसन में आप किसी एक को सेफ मान के चल सकते हो। और ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से जाए तो फिन एलन अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। ग्रैंड लीग के अंदर दोस्तों अगर आप डार्ली मिचेल को अपनी टीम में ले रहे हो तो ये मान के चलो कि टॉप ऑर्डर के चार बैट्समैन, उनमें से कम दो तो जल्दी फ्लॉप हो तभी डार्ली मिचेल की बैटिंग है। उसके बाद दोस्तों आप ग्रैंड लीग के अंदर एडम मिलने को मौका दे सकते हो, जिमी निशम को मौका दे सकते हो, और अगर दोस्तों माइकल ब्रेसवेल खेलते हैं तो ये प्लेयर भी ग्रैंड लीग के अंदर कमाल कर सकता है और अपने होम टाउन में तो काफ़ी अच्छी विकेट भी निकालता है, पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया विद बैटिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों इंडिया का बैटिंग ऑर्डर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इस मैच के अंदर, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने कौन आएगा तो ईशान किशन तो फॉर श्योर दिख रहे हैं कि ओपनिंग करने आएंगे। अब उनके साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने आएगा या ऋषभ पंत ओपनिंग करने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये चीज़ तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही क्लियर कर पाऊंगा जब टॉस होगा तब, क्योंकि अभी क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है शुभमन गिल ईशान किशन ओपनिंग करने, हो सकता है ऋषभ पंत ईशान किशन ओपनिंग करने आए, तो ये देखने वाली बात होगी। और हो सकता है संजू सैमसन को भी ओपनिंग करने भेज दिया जाए, तो थोड़ा रिस्की चीज़ है कि ओपनिंग करने कौन आएगा। उसके बाद दोस्तों तीन नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा में से कोई एक जो भी खेले, यानी अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि शुभमन गिल ईशान किशन ओपनिंग करने आएंगे, तीन नंबर पर अय्यर या हुड्डा में से जो भी खेलेगा वो आने वाला है, अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं। बाकी अगर संजू सैमसन खेलते तो संजू सैमसन को ओपन करने भेज दिया जा सकता है, शुभमन गिल को खेल भेज दिया जा सकता है, पंत को भेज दिया जा सकता है, ये कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मिडल ऑर्डर की कमान संभालेंगे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर, और बॉलिंग की कमान संभाल सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल में से कोई एक खेल सकता है। अभी की जो खबरें आ रही है उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि भुवनेश्वर को फर्स्ट T20 के अंदर रेस्ट दिया जाएगा और हर्षल पटेल को मौका दिया जाएगा। उसके बाद मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल। देखो दोस्तों हाई चांस है यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। अब कुछ चेंज होगा तो हो सकता है उमरान मलिक को मौका दे दे, हो सकता है यहाँ पे कुलदीप यादव को मौका दे दे, हो सकता है संजू सैमसन को मौका दे के इसको ओपन करवा लिया जाए, ये देखने वाली बात होगी। अब सेफ ऑप्शन की बात करते हैं, यादव जी सेफ है,
हार्दिक पांड्या सेफ है, यूजी चहल खेलेंगे तो सेफ है, हर्षदीप सिंह सेफ है, ये चार तो हो गए सेफ। उसके बाद अगर यहाँ पे पंत ओपनिंग करने है तो आपको पंत को लेना है, पंत ओपनिंग करने ना आए तो आपको ईशान किशन के साथ जाना है। उसके बाद ग्रैंड लीग के अंदर आप ऋषभ पंत को मौका दे सकते हो। उसके बाद अगर हुड्डा जी खेलते हैं तो ये प्लेयर काफ़ी क्रूशियल रह सकता है, और अगर दीपक हुड्डा का बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया जाता है और इसको 3 नंबर पे बैटिंग करने भेजा जाता है तो ये प्लेयर ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन सकता है, क्योंकि ये प्लेयर कमाल का बैट्समैन है और बॉलिंग भी कर लेता है एक आधे ओवर की। उसके बाद अय्यर खेलते तो आपको पता है फिर अय्यर के ऊपर फोकस करना, वो देखने वाली बात होगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि वॉशिंगटन सुंदर है, ये प्लेयर पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने आता है, तो ये प्लेयर थोड़ा सा डिवोन कोनवे के लिए खतरा रह सकता है, क्योंकि डिवोन कोनवे के ऊपर मैक्सिमम जनता ध्यान देगी। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि यूजी चहल को पिछले कुछ टाइम से मौका नहीं मिला, तो ये प्लेयर थोड़ा क्रूशियल रह सकता है। बाकी देखो दोस्तों, मैंने आपको पूरा स्नेरियो समझाने की कोशिश की, क्योंकि यंग स्क्वाड है अभी तक, पहले T20 के बाद थोड़ा फिल्टर होगा, पता चलेगा कौन कब बैटिंग करने आएगा, कौन कब बॉलिंग करने आएगा, तो ये मैच आप खेलो तो ग्रैंड लीग के अंदर कुछ लॉजिक लगा के खेलना। अगर प्लेइंग इलेवन में कोई चेंज होगा, कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंज होगा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब देखो दोस्तों, कुछ प्लेयर मैचअप की बात कर लेते हैं प्लेयर कंपैरिजन करने से पहले। देखो दोस्तों, केन विलियमसन वर्सेस हार्दिक पांड्या आपको एक प्लेयर मैचअप देखने को मिल सकता है। हार्दिक पांड्या ने विलियमसन को 39 बॉलें डाली अपनी कैरियर में, 64 रन दिए और 2 बार आउट किया। उसके बाद डिवोन कोनवे वर्सेज वॉशिंगटन सुंदर प्लेयर मैचअप देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, वैसे कोई प्लेयर मैचअप नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक है, डिवोन कोनवे उल्टे हाथ से बैटिंग करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर जनरली पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने आते हैं, इस सीरीज में मेरे को पता नहीं ओवर देगा नहीं देगा पांड्या जी, लेकिन करने आते हैं। उसके बाद दोस्तों, सूर्य कुमार यादव वर्सेज मिशेल सैंटनर 24 बॉलें डाली है सैंटनर जी ने, तो यादव जी को 18 रन दिए, 2 बार आउट किया। श्रेयस अय्यर वर्सेज आईएस सोडी 39 बॉलें 60 रन 2 विकेट। ईशान किशन वर्सेज माइकल ब्रेसवेल अगर टीम मौका देती है तो ये आपको कुछ प्लेयर मेडल देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हम करते हैं प्लेयर कंपेरिजन। देखो दोस्तों, प्लेयर कंपेरिजन हम करेंगे सेक्शन वाइज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से डिवोन कोनवे ओपनिंग करते हैं। अपने T20 करियर में 33 मैच खेले हैं, 1086 रन बनाया है 49.36 की एवरेज से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है फिन एलन ओपनिंग करते हैं, 23 मैचों में 564 रन बनाया है 24.52 की एवरेज से। वहीं दोस्तों इंडिया की तरफ से संजू सैमसन है, अगर खेलेंगे तो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने भी आ सकते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। 16 मैचों में 296 रन 21.14 की एवरेज से। ऋषभ पंत ओपनिंग भी कर सकते हैं, 4 या 5 नंबर बैटिंग करने भी आ सकते हैं, 64 मैचों में 970 रन 23.1 की एवरेज से। अब सेफ ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट चॉइस है डिवोन कोनवे, क्योंकि श्योरिटी है कि ये प्लेयर ओपनिंग करने तो आएगा ही आएगा। स्मॉल लीग के में ज़्यादातर लोग इस पर फोकस करें, ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, और मेरे तो यही रहेगा कि आप इस मैच में सिर्फ ग्रैंड लीग ही खेलना, क्योंकि स्मॉल लीग में पहला मैच है, थोड़ा इन्वेस्ट कम करना, ग्रैंड लीग खेलना, ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो संजू सैमसन के ऊपर फोकस कर सकते हो अगर ये प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, बाकी चांस थोड़े कम है। ऋषभ पंत पे फोकस कर सकते हो अगर प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना है, और अगर आप वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट दिखाओ तो कोनवे को उड़ा के फिन एलन को मौका दे सकते हो, रिस्क ले सकते हो। सेफ आपके लिए डिवोन कोनवे ही रहने वाले हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि इस प्लेयर का सिलेक्शन 90%+ रहने वाला है। अगर इस प्लेयर ने 30 रन भी बना दिए तो आपकी टीम विनिंग जोन से बाहर हो सकती है, तो सेफ जाना तो कोनवे के साथ जाना, और रिस्क लेना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैट्समैन के बारे में। देखो दोस्तों, बैट्समैन हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन 3 नंबर बैटिंग करने आते हैं, 86 T20 मैचेस में 2403 रन बनाए 32.92 की एवरेज से। ग्लेन फिलिपी 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 54 मैचों में 1294 रन बनाए 33.18 की एवरेज से। डार्ली मिचेल 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। वहीं दोस्तों इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 40 मैच के लिए T20 के 1284 रन बनाए 41.42 की एवरेज से। श्रेयस अय्यर 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, शुभमन गिल खेलेंगे तो ओपनिंग करने आएंगे, ईशान किशन हो सकता है ओपनिंग करने आ जाए, 19 T20 मैचेस में 543 रन बनाए 30.17 की एवरेज से। अब सेफ ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट चॉइस सूर्य कुमार यादव फॉर श्योर, सेकंड चॉइस ग्लेन फिलिपी फॉर श्योर, थर्ड आप केन विलियमसन मिस या डार्ली मिचेल या फिन एलन मिस किसी एक को दे सकते हो, और फोर्थ चॉइस आप ईशान किशन के साथ जा सकते हो, या अगर आप थोड़ा रिस्की जाओ तो आप शुभमन गिल के साथ जा सकते हो। उसके बाद अय्यर भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है ग्रैंड लीग के अंदर, लेकिन इस प्लेयर का सिलेक्शन थोड़ा कम होगा, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी टीम बनाने से पहले। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर के बारे में। ऑलराउंडर में हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से जेम्स निसम राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर सकते हैं। अपने T20 करियर में 58 मैचों में 688 रन बनाए और 25 विकेट लिए, लेकिन पिछले कुछ टाइम से प्लेयर बॉलिंग बहुत ही कम खराब, इस सीरीज में करेगा तो पता नहीं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में तो इस प्लेयर ने बहुत ही कम यानी कभी कभार एक आधे ओवर की बॉलिंग कर दी होगी, कर दी होगी। उसके बाद हमारे पास है माइकल ब्रेसवेल राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 13 मैचों में 90 रन 17 विकेट, ये प्लेयर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है और ईशान किशन के सामने पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकता है, अगर ईशान किशन ओपनिंग करने आते हैं इंडिया की तरफ से।
उसके बाद मिचेल सेंटनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, 6 नंबर बैटिंग करने आ सकती हैं। अपने टी ट्वेंटी करियर में 78 मैचों में 688 रन बनाए, 89 विकेट लिए और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इस प्लेयर का कमाल का गया। वहीं दोस्तों हमारे पास इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 4 या 5 नंबर ही बैटिंग करने आ सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर राइट आर्म ओवर ब्रेक बॉलिंग कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकता है और दीपक हुड्डा है ये प्लेयर 3 नंबर ही बैटिंग करने भी आ सकता है अगर इसको मौका मिलता है, और 3 नंबर का काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और दोस्तों 13 मैचों में 293 रन बनाए और मात्र 1 विकेट लिया, यानी बॉलिंग थोड़ा कम करता है लेकिन बैटिंग से काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। सेफ ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट चॉइस हार्दिक पांड्या, सेकंड चॉइस मिचेल सैंटनर, दो तो फिक्स हो गए। थर्ड अगर दीपक हुड्डा खेलेगा तो दीपक हुड्डा को लेना ही लेना है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर खेले तो आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हो, और अगर माइकल ब्रेसवेल खेले तो आप इसको भी ले सकते हो। बाकी आपके लिए सेफ ऑप्शन है हार्दिक पांडे और मिचेल सैंटनर, ये दो तो सेफ है। हुड्डा कमाल कर सकता है आपके लिए ग्रैंड लीग के अंदर, वॉशिंगटन सुंदर डिवोन कॉनवे के लिए खतरा रह सकता है, और यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल ईशान किशन और ऋषभ पंत के लिए थोड़ा खतरा रह सकता है, चीज़ आपको देखनी होगी टीम बनाने से पहले। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग के बारे में। बॉलिंग हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से ब्लेयर थिकनर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, अपने टी ट्वेंटी करियर में 14 मैचों में 15 विकेट लिए। टिम साउदी राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 104 मैचों में 129 विकेट। लोकी फर्गुसन राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 26 मैचों में 39 विकेट। आईएस सोडी राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 86 मैचों में 109 विकेट। एडम मिलने राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हमारे पास इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 19 मैचों में 29 विकेट। भुवनेश्वर कुमार राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 85 मैचों में 89 विकेट। हर्षल पटेल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, मोहम्मद सिराज राइट आर्म फास्ट मीडियम है, उमरान मलिक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, और यूजी चहल राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 69 मैचों में 85 विकेट। और कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, 25 मैचों में 44 विकेट। अगर सेफ ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट चॉइस अर्शदीप सिंह, सेकंड चॉइस टीम साउदी, दो तो हो गए फिक्स। थर्ड यूजी चहल, तीन हो गए फिक्स। फोर्थ आप लोकी फर्गुसन के साथ जा सकते हो, या यहाँ पे आप एडम मिलने या ब्लेयर थिकनर में जो खेले उसके साथ जा सकते हो। ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो अगर यहाँ पे हर्षल पटेल खेले तो ये प्लेयर डेथ में विकेट निकाल सकता है। ग्रैंड लीग के अंदर यूजी चहल अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ग्रैंड लीग के अंदर आपके लिए आईएस सोडी अच्छा ऑप्शन रह सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आप एक आधी ग्रैंड लीग के अंदर थोड़ा स्पिनर पर ज़्यादा फोकस भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम की। देखो दोस्तों एक बात तो आपको ध्यान में रखनी कि डेमो टीम में जो फाइनल जो भी टीम आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ प्लेइंग 11 में चेंज होने को देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंज देखने को मिल सकते हैं जो डेमो टीम है। दूसरी चीज़ दोस्तों आप बता दूँ कि इस वीडियो के बाद हम एक ग्रैंड लीग स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अच्छी टीम बना सकते हो, आप वो वीडियो भी आज से देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों अगर हम बात करें टीम की, तो मैंने यहाँ पे विकेट कीपर में लिया डिवोन कॉनवे और ईशान किशन को, बैटिंग में लिया सूर्य कुमार यादव ग्लेन फिलिपी को, ऑलराउंडर में लिया हार्दिक पांड्या मिचेल सैंटनर वॉशिंगटन सुंदर अर्शदीप, और बॉलिंग में लिया अर्शदीप सिंह और टीम साउदी को। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे 9 प्लेयर चूज किए, अब 10वां और 11वां प्लेयर क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं भुवनेश्वर कुमार या यूजी चहल में से जो भी खेलेगा उसको मौका दे सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पे केन विलियमसन को मौका दे सकता हूँ, और अगर दोस्तों संजू सैमसन या दीपक हुड्डा में से कोई खेलता है, श्रेयस अय्यर खेलता है, तो आप उनमें से भी किसी को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ईशान किशन की जगह आप दीपक हुड्डा को मौका दे सकते हो, या आप माइकल ब्रेसवेल को मौका दे सकते हो, आप कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये लॉजिक मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए मैंने आपको सारे रिकॉर्ड बताए कौन सा प्लेयर कब खेल सकता है। बाकी दोस्तों जो भी फाइनल अपडेट होगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे अगर आप मेगा लीग जीतते हो तो आपको मिलेगा फर्स्ट प्राइज एज ए महिंद्रा थार, और अगर आप अभी हमारे लिंक से डाउनलोड करते हो, फर्स्ट डिपॉजिट करते हो, तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मैच की मैच प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दिस गेम इज फाइनेंशियली रिस्की एंड हैबिट फॉर्मिंग, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।